तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके माध्यमिक परीक्षा 2024 ज्योग्राफी के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी ने अभी अभी अपना ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी के मन में ये जानने की बहुत ही जिज्ञासा होगी कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही है या गलत है। आपके मन में कन्फ्यूज़न तो होगा ही, ज़रूर होगा। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए, हमारे चैनल ने आपके लिए एक वीडियो का सीरीज शुरू किया है जहाँ पे आप अपने सभी कन्फ्यूज़नों को दूर कर सकते हैं। जहाँ आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कन्फ्यूज़न के बारे में। यहाँ पर जो आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊँगा कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। और अगर किसी प्रकार की आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा प्रश्न पत्र है, यही हमारा प्रश्न आया था। हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आज के परीक्षा में आया था ज्योग्राफी के पेपर का, पहला 1.1 क्वेश्चन है, बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण है। बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण क्या है? तो बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण होगा आपका, यहाँ पे आपका उत्तर होगा ये अपक्षय। अपक्षय बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पर्वत के ग्लेशियर के शीर्ष और पर्वत के दरारों के मध्य बनी संकीर्ण और गहरी खाई को क्या कहते हैं? इस खाई को हम लोग बर्ग सुरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, 1.3 नंबर क्वेश्चन है, वो है वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसमी संबंधित हलचलें होती है वह क्या है? तो इन जो मन जिस परत पर मौसम संबंधित हलचल होती है उसे हम लोग कहते हैं, कहा गया, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्षोभ मंडल। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तापक्रम का व्युत्क्रम क्या होता है? तापक्रम का व्युत्क्रम का मतलब होता है हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, धरती से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा तापक्रम घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो आपका नंबर आंसर सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच जो समय का अंतर होता है वो आंसर होगा आपका 6 घंटा 26 मिनट। तो हिंदी में पेपर आया हुआ है, आप इंग्लिश में देखिएगा तो आपको सही सही सब समझ में आएगा। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, समुद्र के में वह स्थान जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं एक साथ मिलती वो क्या कहलाती है? तो उस स्थान पर जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती वहाँ पर हिम दीवार बनती है। हमारा 1.7 क्वेश्चन है, गैर विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ के उदाहरण दीजिए। तो गैर विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो विषाक्त नहीं होते, जहाँ पे हमारा सबसे पहला उत्तर धान का छिलका होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक खाड़ी झील का नाम बताएं। तो भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 1.8 का आंसर होगा पेंगोंग झील। बाकी सभी झीलें मीठे पानी की झील की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक प्रमुख वर्षा छाया क्षेत्र का नाम बताएं। तो वर्षा छाया क्षेत्र में ये तीनों क्षेत्र नहीं आते हैं, सभी ऑपोजिट क्षेत्र हैं। हमारा आंसर होगा हिमालय की तलहटी। इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा अजीबोगरीब आए हुए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है, पेपर हार्ड हुआ है तो कोई बात नहीं है। हार्ड इजी कोई नहीं, पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाता है। देखिए, विशाल चट्टान के अपक्षय से निर्मित मिट्टी क्या है? तो विशाल चट्टान के अपक्षय से हमारी काली मिट्टी बनती है। 1.10 खत्म हुआ, अब हम लोग करेंगे 1.11 को सॉल्व। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नागपुर को टिक कीजिए, नहीं खा नंबर आंसर सही होगा। वन आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? वन के आधारित उद्योग हमारा कागज उद्योग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का डेट्रॉइट के नाम से परिचित है। भारत के डेट्रॉइट के नाम से परिचित क्या है? तो हमारा जो चेन्नई होता है वो भारत के डेट्रॉइट के नाम से परिचित होता है, आंसर होगा चेन्नई, ठीक है। 1.14, वह रंग जिससे उपग्रह चित्रण में नदियों और जल निकायों को दर्शाया जाता है। नदी और जल निकाय को उपग्रह चित्रण में गहरा नीला रंग से दिखाया जाता है, तो हमारा गहरा नीला रंग होगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन को देखा जाना, और आप भी हमें था जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इन 14 क्वेश्चनों में से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही अलग से हैं, तो आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा कि आपने किस कैसे उत्तर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभाग ख, यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना था और 6 क्वेश्चनों को सही करना था। देखिए पहला क्वेश्चन 2.1.1 का क्वेश्चन है, जल ग्रहण बेसिन का निर्माण नदी के उद्गम क्षेत्र पर होता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसका निर्माण नदी के उद्गम क्षेत्र पर नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लटकती घाटी नदी के कटाव पर बनती है। तो लटकती घाटी नदी के कटाव से ही बनती है, इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाम को समुद्री हवा का झोंका बहता है। जी ये बिल्कुल गलत है, ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत, इसलिए इसको फॉल्स किया है, तो आपने सही किया है।
जो हवा का झोंका वो दिन में बनता है और रात में बनता है। गरान और गोलपाता हिमालय की दो महत्वपूर्ण प्रकार की वनस्पति है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये पर्वतीय तो नहीं हो सकती, ये ज्वारीय हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी दरार वाली घाटी से होकर बहती है, इसका आंसर भी ये गलत होगा, क्योंकि क्योंकि ताप्ती और नर्मदा दो ही नदियां जो दरार घाटी से होकर बहती है, गोदावरी नदी नहीं बहती। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्सेनिक एक विषैला पदार्थ है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आर्सेनिक एक विषैला पदार्थ है। छः क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अगर लाइन से आपने सब में ट्रू या सब में फॉल्स किया होता तो फॉल्स करने वालों को 4 और ट्रू करने वालों को 2 मार्क्स मिलता, और अगर आपने इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा में सॉल्व किया तो इसका आंसर भी जान लीजिए, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय उपग्रह अपोलो था, ये नहीं हो सकता, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, सभी को पता है, तो ये इस तरह से फॉल्स हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर आया इसमें। देखिए 2.2 में आपको रिक्त स्थानों को भरना था, 2.2.1 का पहला क्वेश्चन है कि तल पर जल कुंड बना होता है, तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के तल पर जल कुंड बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2.2.2 का, बल के द्वारा हवाओं और समुद्री धाराओं को विक्षेपित किया जाता है, किन हवा बल के द्वारा समुद्री धाराओं और हवाओं को विक्षेपित किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा केरियोलिस बल के द्वारा। 2.2.3 का क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। 2.2.4 का क्वेश्चन है, शीतकाल के दौरान न्यूफाउंडलैंड में ठंडी धारा के कारण बर्फबारी होती है, किस ठंडी धारा के कारण होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लेब्राडोर ठंडी धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण से न्यूफाउंडलैंड में बर्फबारी होती है। प्रयुक्त इंजेक्शन सिरिंज एक वज्र पदार्थ है, किस प्रकार का वज्र पदार्थ है, तो यह एक चिकित्सीय वज्र पदार्थ है, डॉक्टरी में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2.2.6 का, उद्योग का प्रमुख कच्चा माल नेफ्था है, नेफ्था किस प्रकार के उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो नेफ्था प्रयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरक उद्योग में, ठीक है। अगला 2.2.7 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाली आबादी वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और कितना सॉल्व किया, और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका जो इस बार का पेपर था आपके नज़रिए से ये हार्ड था या इजी था, आप जरूर हमें बताइए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 2.3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तर देना है, उत्तर दे के बताना है। पहला क्वेश्चन है 2.3.1 का, पहला क्वेश्चन है, चूना पत्थर क्षेत्र में नदी की कौन सी अपरदन प्रक्रिया प्रभावी है, इसका आंसर होगा घोलन। 2.3.2 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ध्रुवीय प्रकाश देखा जाता है, आंसर होगा थर्मोस्फियर। 2.3.3 नंबर क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तनों के कारण किस समुद्र में समुद्री धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है, आंसर होगा हिंद महासागर में समुद्री धाराओं में परिवर्तन होता है, कब, मौसम के परिवर्तन के कारण से। 2.3.4, कर्नाटक का विच्छेदित पठार का नाम बताइए, तो मैसूर पठार इसका उत्तर होगा, मैसूर का पठार। इस बार के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड देखा, पहली बार मैंने क्वेश्चन पेपर पे क्यूआर कोड देखा, पता नहीं इसका क्या उपयोग है, पर इसको जानना चाहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2.3.5, वर्ष 2020 में दक्षिणी बंगाल में कौन सा शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी, इसका आंसर होगा अम्फान तूफान, आप सभी ने इसको झेला होगा और आप सभी भूल भी गए होंगे आंसर देते समय, दुख कौन याद रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.3.6, किस वनस्पति का चरित्र लक्षण न्यू मेटोफोर श्वसन झड़े हैं, श्वसन झड़े किस वनस्पति में देखने को मिलती है, बहुत ही अजीबो गरीब क्वेश्चन पर बहुत ही इजी देखा जाए इसका आंसर, इसका आंसर होगा मैंग्रोव वनस्पति, यानी सुंदरबन का जो जंगल होता है जहाँ पे जड़े समुद्र से बाहर निकल कर जल के क्षेत्र से बाहर निकल कर सांसें लेती है और खड़ी खड़ी रहती है, उसी को ही मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है, और वहाँ के जो जड़े होती है पेड़ों की जड़े उसको न्यू मेटोफोर श्वसन जड़ कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन था पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। फिर 2.3.7, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को ले जाने के लिए कौन सा परिवहन प्रणाली सबसे अच्छा उपयोगी है, तो इसका उत्तर तो होगा पाइपलाइन, पर पता नहीं आपने कौन सा उत्तर दिया, जरूर से जरूर बताइए कि आपने सही दिया या गलत दिया, पाइपलाइन इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 2.3.8 का, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जिसके द्वारा स्थलाकृतिक
टोपोग्राफिक मानचित्र में ऊंचाई को दर्शाया जाता है, वो काल्पनिक रेखा है, समोच्च रेखा। पर पता नहीं आपने क्या उत्तर दिया, आप हमें जरूर अपना उत्तर बताएं। ठीक है, यहाँ तक का उत्तर आपने देख लिया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर की घाटी, मतलब ये बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाना था, इसको आप ऐसे मिला सकते हैं रेखाओं के जरिए, या फिर आप इसको चाहे तो लिख के भी बता सकते हैं, तो हम भी दाग लगा के दिखा देते हैं आपको। कश्मीर की घाटी किस लिए फेमस है? तो पता होगा आपको, केसर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में दिया गया है, लूनी नदी कहाँ है? तो आंसर होगा लूनी नदी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, रेडोडेंडोन क्या है? तो रेडोडेंडोन एक प्रकार का अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति कहने से मतलब है कि प्राकृतिक पर्वतीय वनस्पति है, पर्वतों पर झाड़ीदार झाड़ी झाड़ी वाले फूलों को रेंडोन डेन कहते हैं, कुछ अजीब सा नाम है इसका। सलेम क्या है? तो सलेम इस्पात का मिश्र धातु केंद्र है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अभी तक 36 क्वेश्चनों को देख लिया। आप हमें जरूर से जरूर बताएं कि आपका 36 शॉर्ट क्वेश्चन में कितना नंबर आया है या आने वाला है। ठीक है, अब हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को समझ लिया है, अब हम थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, किस तरह के ब्रॉड क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। ये जो वीडियो है, ये माध्यमिक 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत कामगार सिद्ध होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 3.1 जहाँ पे 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना सोचा जा रहा था, ये बहुत ही आसान पेपर था। अगर किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है इस पेपर में, समझने में दिक्कत हो किसी क्वेश्चन को, आप हमें कमेंट कर जरिए जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसके पिक्चर्स को दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। और लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का उत्तर चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको अगले वीडियो में उसको हल करके दूंगा। चलिए, इस प्रकार जो मैप पॉइंटिंग था, ये भी बहुत आसान सा मैप पॉइंटिंग आया हुआ है, उतना भी हार्ड मैप पॉइंटिंग नहीं आया हुआ था। और अंत में ये बाह्य परीक्षार्थियों के लिए, मतलब कि ये उन बच्चों के लिए हैं जो पिछले साल फेल हो गए थे और फिर से परीक्षा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारा ये जो पेपर है ये समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा किया गया ये कार्य अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।